हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। इसका टॉपिक डेटा ऑफ वार्निंग किस प्रकार से सेट करते हैं और उन्हें कैसे ऑन ऑफ करते हैं वो बताऊंगे। फ्रेंड्स, मेरे पास है इन्फिनिक्स का फ़ोन है। और फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करो। फ्रेंड्स, यही शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन करना होगा। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस आता है और इसके बाद आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक कर देना है। तब आपको यहाँ दिखे जियो 4G सिम, आप पर क्लिक कर देंगे एंड सिम डाला होना चाहिए आपके लिए। तब आपको यहाँ दिखता है ऐप डेटा यूजेस। फ्रेंड्स, एक बार मोबाइल डाटा इस प्रकार से ऑफ है और तो उसे ऑन कर लेंगे तभी। और फिर इसके बाद आपको ऐप डाटा यूज पे क्लिक करना है। तो अभी यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है। अगर मैं इसे बैक करके इसे मोबाइल डाटा को ऑफ कर देती हूँ तब दोबारा क्लिक करती हूँ इसी पर, तो आपको यहाँ से सेटिंग का ऑप्शन जो था वो अब नहीं आ रहा है। तो एंड इसके लिए आप इसे और मतलब कि आप इसे ऑन करना है आपको। एंड इसके बाद आपको इसे ऑन कर लेंगे एंड ऐप डाटा यूज पे क्लिक करेंगे वापस। तब सेटिंग का ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तब आपको यहीं पे दिख जाएगा डेटा वार्निंग सेट करने का। इस प्रकार से ऑफ होता है और इस प्रकार से ऑन होता है। जब ऑफ रहता है तो आप इस पर नहीं क्लिक कर पाते हैं। अगर ये ऑन है तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं डेटा वार्निंग। एंड जस्ट MB और GB में बदल सकते हैं आप अपने हिसाब से। एंड 2 GB 2 MB कुछ भी आप जो भी सेट करते हैं। एंड इस तरीके से आप अपने फ़ोन में डेटा वार्निंग सेट कर सकते हैं। एंड अगर ये ऑफ इस प्रकार से ऑफ होता है, दोबारा बता दीजिए, इस प्रकार से ऑफ होता है, इस प्रकार से ऑन होता है, जब ये ऑन हो तब भी इसका सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आएगा किस प्रकार से डेटा वार्निंग का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, तब तक के नमस्कार।